व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरुमान, ये हेल्थ एंड फिटनेस। आज आपको मैं चिक पीस के बारे में बताने जा रहा हूँ, मतलब व्हाइट चने के बारे में बता रहा हूँ, व्हाइट और ब्लैक चने। आपने पिछली वीडियोस देखी थी, मैंने दालों को कवर किया था, लेंटिल्स को कवर किया था, और आज मैं चिक पीस कवर कर रहा हूँ। जैसे कि पल्सिस जो है, पल्सिस के अंदर आपको मैंने बताया कि पल्सिस के अंदर होता है, उसमें दालें आती हैं, उसमें राजमा आते हैं, उसमें चने आते हैं, तो ये पल्सिस की फैमिली है। इसको लेग्यूम्स, अगर आपको मालूम है, लेग्यूम्स के अंदर ये तीन चार अलग तरह की चीज़ें हैं, और उसको मैं कवर कर रहा हूँ। सो पल्सिस के अंदर, लेग्यूम के अंदर आज मैं चिक पीस चने को कवर कर रहा हूँ। नाउ चने की बात करते हैं कि आपको मालूम है कि ये इंडिया की बहुत पॉपुलर डिश है, इंडिया के साथ साथ मिडल ईस्ट कंट्रीज है जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, और अमेरिका के अंदर भी इसका काफ़ी इस्तेमाल है, मैक्सिको साइड बहुत इस्तेमाल है, सो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर भी इसकी कंजप्शन काफ़ी है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या इसका हमें कितना फ़ायदा है, फैट लॉस में, मसल बिल्डिंग में, वेट लॉस में, या नॉर्मल हेल्थ में कितना फ़ायदा है। पहले हम बात करते हैं क्विकली मैक्रोस की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की। मैक्रो मतलब है कि प्रोटीन, कार्ब और फैट की इसके अंदर कंजम्पशन इसकी क्या नंबर है। अगर आप एक कप वाइट चने लेते हैं, आपको मालूम वाइट चने और ब्लैक चने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू, मैक्रोज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर फाइबर का शायद 1-2 ग्राम का इधर उधर डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो वाइट चने हैं वो ज़्यादा मेजोरिटी में उसका ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है थोड़े से वर्सेस ब्लैक, लेकिन सेम फैमिली है और माइनर डिफरेंस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं कवर करने जा रहा हूँ चने के बारे में। सो व्हाइट चने, व्हाइट चिक पीस एक कप के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो लगभग 45 ग्राम्स है, जो प्रोटीन है वो ऑलमोस्ट 15 ग्राम है, और जो फैट है समवेयर अराउंड 3-4 ग्राम, विच इज वेरी लेस। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर जो फाइबर की रेशियो वो भी लगभग 15 ग्राम फाइबर है। अगर आप कार्ब और प्रोटीन की रेशियो देखें तो 45 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और 15 ग्राम प्रोटीन है, तो रेशियो कितनी हुई, 3:1। सो कार्ब एंड प्रोटीन की रेशियो 3:1 हुई। जैसा कि आपको मैंने बताया था, दालों के अंदर भी कार्ब और प्रोटीन की रेशियो 3:1 है, मतलब हर 1 ग्राम प्रोटीन के साथ आपको 3 ग्राम कार्ब मिल रहा है, राइट। सो दिस इज नॉट अ लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे आपको बताता आ रहा हूं कि लीन प्रोटीन क्या क्या मतलब होता है। लीन प्रोटीन का मतलब होता है जिसके अंदर कार्ब और फैट ना के बराबर हो, लेकिन इसके अंदर कार्ब 3 गुना ज्यादा है, सो ये लीन प्रोटीन नहीं है, बट दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाई प्रोटीन ये मील है, लेकिन उसके साथ कार्ब है, लेकिन हम बोल कार्ब के अंदर 15 ग्राम जो है फाइबर है, सो इट्स अ हाई फाइबर मील। वेजिटेरियन लोगों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मील है, क्योंकि उनको लीन प्रोटीन मिलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है दालों और बीन्स के अंदर, क्योंकि जो मीट के अंदर है, चिकन के अंदर है, जो फिश के अंदर है, एग वाइट्स के अंदर है, वो ऑलमोस्ट लीन प्रोटीन है, मतलब कार्ब फैट ना के बराबर होता है। एनीवेज, सो जो आपने रेशियो देखी है 3:1 कार्ब रेशियो है, क्या इसके हमें फैट लॉस में फ़ायदा है। पहले बात करते हैं मसल लॉस के बारे में, मसल गेन के बारे में। मसल गेन के दौरान आप 3:1 रेशियो 2:1 रेशियो परफेक्ट होती है मसल गेन के दौरान, 3:1 रेशियो भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी रेशियो है अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं। फैट लॉस में 3:1 रेशियो काम नहीं करती ज्यादा, क्योंकि फैट लॉस में आपको कार्ब कम करने पड़ेंगे और प्रोटीन अप करना पड़ेगा, तो आप 1:3 जो वैल्यू है वो बहुत मुश्किल होगी, मतलब अगर आप 1 ग्राम कार्ब और 3 ग्राम प्रोटीन, वो तो मिलेगा ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इस दालों के अंदर, पल्सिस के अंदर, तो वहां पर 3:1 रेशियो को करना बहुत मुश्किल होगा उस फैट लॉस के दौरान। लेकिन अगर आप दिन के अंदर एक मील आप बीन्स की लेते हैं और बाकी 4-5 मील आपकी हाई प्रोटीन है, तो आप बैलेंस कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी दिन के अंदर बाकी मील्स के अंदर भी कार्ब की रेशियो 2:1, 3:1, 4:1 है, तो फैट लॉस तो आपका नहीं होगा, चाहे आप कैलोरिक डेफिसिट में है लेकिन तब भी फैट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस जरूर होगा। मैंने बताया हुआ है वेट लॉस का मतलब है वजन का कम होना, वो वजन आपका मसल लॉस होकर भी हो सकता है, पानी लॉस से भी कम हो सकता है, और फैट लॉस से हो सकता है। सो वजन कम के दौरान आपका मसल भी कम होंगे, क्योंकि आपकी रेशियो 3:1 है, आप इनफ प्रोटीन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं मसल को सेव करने के लिए। सो मसल
फैट लॉस के दौरान अगर आपकी प्रोटीन की रेशियो 2:1 हो, मतलब 2 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अगर मतलब रेशियो है 2:1, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। या 2:2:1.5 हो तब भी दिक्कत नहीं है, 2:2 हो सम हाउ यू कैन स्टिल मैनेज, पर 3:1 कार्ब की जो है वो नहीं काम करेगी। लेकिन अगर ओवरऑल बाकी डाइट से आप बैलेंस करें, मैं बोल रहा हूं, तो आप इसको सम हाउ ओवरऑल कार्ब मैक्रोस को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन फैट वेट लॉस के दौरान मेन वेमेन, अगर आपका गोल सिर्फ वेट लॉस करना है, आप काफी ओवरवेट हैं, 20-25-30 किलो ओवरवेट हैं, और आपका ध्यान इस समय यही है कि मेरा वजन कम हो, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट फैट लॉस, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट मसल लॉस, आई नीड टू लूज माई वेट, तो तब आप ये चीजों को डेफिनेटली डाइट में ऐड कर सकते हैं। 3:1 आपको उस समय काफी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप ओवरऑल को आपकी ओवरऑल जो कैलोरीज है वो कैलोरिक डेफिसिट में ही चाहिए, जरूरी है। वर्कआउट करें ना करें, आप न्यूट्रिशन से ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वर्कआउट करना इतना जरूरी नहीं है वेट लॉस के दौरान, अगर आप न्यूट्रिशन में अपनी मैक्रोस को ठीक कर लें, कैलोरीज को कम कर लें, तो आपका वेट ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन मसल बिल्ड करना है, मसल टोन करना है, तब तो आपको जिम जाना पड़ेगा। तो हर एक का गोल मसल टोनिंग या मसल बिल्ड करना का नहीं होता। हमारी जो इंडियन वेमेन्स है वो उनका लाइफस्टाइल में शायद वर्कआउट नहीं करते, मेजॉरिटी में इंडियन वेमेन वर्कआउट नहीं करते, घर के कामों में, ऑफिस के कामों में, बच्चों के साथ उनके सारा टाइम निकलता है। तो अगर अपनी वो न्यूट्रिशन ही ठीक कर लें, उनका वहीं पर ही वेट कम होगा, उनकी ड्रेस उन्हें ठीक लगेगी, उनकी ओवरऑल बॉडी या ब्यूटी जो है या बॉडी है वो बैक होगी, अच्छे लगेंगे, वो वजन कम कर, उनके लिए बिना जिम के आप वेट ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे काफी प्रोग्राम्स है, आप चेक कर सकते हैं, फिट जोन है, वेमेन का प्रोग्राम है, बिना वर्कआउट किए हुए आप वो न्यूट्रिशन फॉलो कर सकते हैं, और एक आपके लिए जल्दी प्लान अलग बनाऊंगा। वेल, अपना टॉपिक, बैक टू टॉपिक आते हैं। सो आपको मसल लॉस में आपका फायदा है, सॉरी मसल गेन में आपको इसको फायदा है, वेट लॉस में आपको फायदा है, लेकिन फैट लॉस में आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं है। हम बात करते हैं अब बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स की लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। बेनिफिट में आपको मालूम है कि जो चिक पीज है इट्स डायबिटिक फ्रेंडली, मतलब है कि अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर शुगर नहीं है, इसके अंदर काफी ज़रा फाइबर है, तो फाइबर जो है आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा। अगर इंसुलिन को स्पाइक नहीं हुआ तो इंसुलिन के बिगड़ने की दिक्कत नहीं होगी, इंसुलिन खराब नहीं होगा, तो आप प्री डायबिटिक नहीं है, डायबिटिक नहीं होंगे, और डायबिटीज के चांस डाउन द रोड नहीं होंगे। अगर आपको आज डायबिटीज ऑलरेडी है तो चिक पीस आपको जो चने हैं, वाइट चने, ये आपको डायबिटीज को कम करने में, रिड्यूस करने में, शुगर लेवल रिड्यूस करने में आपकी बॉडी से मदद करते हैं, क्योंकि हाई इन फाइबर। आपको आपकी डाइट में फाइबर ही की तो, फाइबर की तो कमी चल रही है, तभी आप डायबिटिक चल रहे हैं, तो आपको वहां पर ऐड करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको डायबिटीज है तो आपको इसका प्लस है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर कोई सोडियम वगैरह नहीं है, हाई इन फाइबर, तब आपको जो ब्लड प्रेशर का वो आपका कम होगा, ड्रॉप होगा, उसमें आपको फायदा है। उसके बाद इसके अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपको वहां पर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, क्योंकि जो फाइबर है उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर है जो आपके LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करेगा। सो जो आपका LDL कम होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो अगर आप बॉर्डर लाइन से ऊपर हैं, जो उसके पास है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट हेल्दी, आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। उसके बाद आपको यहां पर बोन्स अगर आपकी वीक है तो उसको वहां पर स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है, तो आपको मालूम कैल्शियम जो है आपकी बोन्स के लिए जरूरी है। उसके साथ आपको मालूम है कि कैल्शियम के साथ विटामिन ई, विटामिन के इंपॉर्टेंट है। विटामिन के अगर आपकी डाइट में कम है तो आपको वहां पर बोन फ्रैक्चर होने का खतरा है, अक्सर बोन जो फ्रैक्चर होगी, आपका मोच आ गई, लॉट ऑफ लोगों को बोन्स थोड़ा मुड़ा आपको फ्रैक्चर आता है, बिकॉज आपकी बोन्स की, आपकी डाइट के अंदर विटामिन के की कमी है, वो भी जरूरी है कैल्शियम के साथ साथ, तो आपको ये इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इन टर्म ऑफ कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर, कैंसर की दिक्कत है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा इसको फायदा आपको है इस चिक पीस से, कैंसर के अंदर भी। आपको मालूम है कैंसर सर्टिफाइड हूं, कैंसर के दौरान आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट चाहिए, सेलेनियम। सेलेनियम एक मिनरल है, जैसे विटामिन्स होते हैं ABC, जिंक, मैग्नीशियम, ये मिनरल्स है, कैल्शियम मिनरल, ऐसे एक सेलेनियम मिनरल है हमारी डाइट के अंदर, अक्सर लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स से हमें नहीं मिलता। सो सेलेनियम जब आपकी डाइट के अंदर होता है तो वो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई मदद करता है, जो टॉक्सिन बनते हैं उसको
बाहर निकालता है। तो डिटॉक्सिफाई में मदद करेगा, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जो बनती है वो प्रिवेंट करेगा, इन्फ्लामेशन जो आपकी बॉडी के अंदर पेन होती है, जलन होती है, कहीं पर भी वो इन्फ्लामेशन ठीक नहीं है आपके लिए, वो सेल्स इन्फ्लेम्ड है, बॉडी इन्फ्लेम्ड है, उसको कम करता है। सो वहां पर सेलेनियम मदद करता है। ऑल्सो द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जो बॉडी के अंदर ट्यूमर होता है, ट्यूमर जिससे कैंसर बनता है, ट्यूमर कैंसर आपका ट्यूमर की फॉर्म में ग्रो करता है, तो उसको डिक्रीज करने में मदद करता है। सो डेफिनेटली चेक पीस, अगर आप दिन में एक कप, अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में स्टेज 1, 2, 3 में दिक्कत है, तो आप अपनी डाइट में चेक पीस वगैरह ऐड करें, मैं आपके लिए कैंसर का प्रोग्राम जरूर बनाऊंगा। सो टन्स ऑफ बेनिफिट्स है, इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, जलन कम होगी, इट्स ऑल गुड। सो सारा आपकी बॉडी के अंदर इसका बहुत फायदा है, टोटल हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है इसके। तो आपको मैंने बताया कि मसल बिल्डिंग में, फैट लॉस में, वेट गेन में हेल्थ बेनिफिट्स किस तरह से है, क्या इसकी कार्ब और प्रोटीन रेशियो है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, दालों के भी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन है आपको, मेरा ये मेन है कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ क्या क्या उसके फायदे हैं, किन किन बंदों को जरूरत उसकी है कि नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन है इसको डेफिनेटली ऐड करें, आपको हेल्थ टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सो गाइस, ये थी गुरु वन की इन्फॉर्मेशन चेक पीस के ऊपर, डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल ये पल्सिस है और इसको अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फिर भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी डाइट में ऐड करें, कंसिडर एज 1 वेजिटेरियन मील, तो वो भी आपके लिए अच्छा है कि आप थोड़ी सी ब्रेक दे दें। अगर आप ज्यादा चिकन मीट और एग्स चल रहा है डाइट के अंदर, तो अगर आप 1-2 मील दिन के अंदर या हफ्ते में 1-2 बार स्विच करें वेजिटेरियन में, तो वो भी आपको एक फ्लेवर डिफरेंट मिलेगा। एक वहां से आपको बॉडी के अंदर काफी ज्यादा सैचुरेटेड फैट भी बनती है उन मीट, अगर आप काफी ज्यादा तेल वगैरह उसके अंदर है जब फुल आप मीट ले रहे हैं, तो उसको आपको एलिमिनेशन करने में, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा। सो गाइस, ये थी गुरु मान की इन्फॉर्मेशन। आई लव यू ऑल गाइस, दिस इज गुरु मान, ओवर एंड आउट, बाय।